हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पावर ग्रिड में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, उसके अलावा उनको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, पर्क्स क्या होते हैं एंड अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप गेट एस्पिरेंट्स हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए मोटिवेटिंग होने वाला है। और रियल मोटिवेशन के लिए आप इस टाइप की वीडियो ही देखा करो कि जहां आपको जाना है, आपको IIT IIC में जाना है तो वहां पे एमटेक स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है उसको देखा करो। आपको PSU में जाना है तो वहां पे PSU ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओके, तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, फॉर देम माय नेम इज योगेश सिंह। इन 2021 आई वाज डूइंग एमटेक फ्रॉम ISC बैंगलोर इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। इन 2022 आई लेफ्ट दैट एंड जॉइंड पावर ग्रिड एज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑन लाइफ ऑफ PSU ऑफिसर्स इन पावर ग्रिड। तो अगर आपको उस टाइप का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सैलरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पावर ग्रिड में जो रिक्रूटमेंट होता है वो E2 लेवल पे होता है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग लेवल पे। 2022 में जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं E2 लेवल पे ज्वाइन किया था, और उससे पहले भी एक रिक्रूटमेंट हुआ था जो E3 लेवल पे रिक्रूटमेंट हुआ था। तो मैं उसमें अप्लाई नहीं किया था और मैं E2 वाले रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ज्वाइन करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि यार E2 लेवल पे अभी ज्वाइन कर लेते हैं, और क्योंकि E2 लेवल से E3 लेवल तक जाने में, जब आप प्रमोट होके जाओगे E2 टू E3 जाने में, ट्रेनिंग के एक साल को लगा के आपको टोटल 4 साल लगते हैं। मतलब एक साल हो गया ट्रेनिंग का और 3 साल आपको प्रमोट होने में लगते हैं E2 टू E3। तो मैं सोच रहा था यार मैं 4 साल पीछे हो गया हूँ और अभी E2 लेवल पे ज्वाइन कर लेते हैं और गेट 2023 में फिर से अपियर होंगे और फिर से E3 वाले रिक्रूटमेंट में अप्लाई करूंगा और E3 लेवल पे ज्वाइन करूंगा। बट जब मैं पावर ग्रिड ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि पावर ग्रिड हैज स्टॉप्ड रिक्रूटिंग ऑन E3 लेवल। मतलब 2022 में जो E3 लेवल पे रिक्रूटमेंट था वो E3 लेवल का लास्ट रिक्रूटमेंट था। उसके बाद E3 लेवल पे पावर ग्रिड में रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ओनली E2 लेवल पे होगा। तो जो मैं सोच के आया था वो बस एक सोच ही रह गई। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पावर ग्रिड में जो एम्प्लॉई है वो 3 लेयर्स में है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, जिनको ऑफिसर्स बोलते हैं, जो कि हम लोग हैं, और उससे नीचे हैं JE, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं या जूनियर ऑफिसर उनको बोलते हैं, और उसके नीचे आते हैं वर्कमैन। तो इस वीडियो में मैं ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में और उनके पर्क्स, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर कोई JE के लिए अप्लाई करना चाहता है पावर ग्रिड में और उसको जानना है कि उसकी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस वगैरह क्या होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो पावर ग्रिड ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में अगर बात करूं तो पहला कंपोनेंट जो उनका सैलरी का होता है वो होता है बेसिक पे। तो E2 लेवल पे जो बेसिक पे होता है वो होता है 50K, मतलब 50,000 आपका बेसिक पे है, और उस पे हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। कुछ लोग सोचेंगे बस इतनी कम सैलरी ऑफिसर्स की, रुको जरा सबर करो। ये पहला कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है DA, दैट इज DNS अलाउंस। तो वो 38% ऑफ बेसिक पे है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो 40 को भी क्रॉस कर लेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 40% मान के चल रहा हूँ। तो बेसिक पे हो गया 50,000 और आपका DA हो गया 40% ऑफ बेसिक पे। तीसरा कंपोनेंट आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो जो HRA होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में पोस्टिंग हो। तो सिटी को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहली जो कैटेगरी है X, उसके बाद Y, उसके बाद Z। अभी XYZ क्या है, अगर किसी सिटी में पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है तो उसको एक्स सिटी बोलते हैं, और अगर 5 और 50 लाख के बीच में है पॉपुलेशन तो उसको वाई, और 5 लाख से अगर कम है पॉपुलेशन तो उसको जेड कैटेगरी बोला गया है। तो जो एक्स कैटेगरी है, अगर आपकी पोस्टिंग उस सिटी में है तो उसका जो HRA आपको मिलेगा वो मिलेगा 27%, और अगर वाई सिटी में है तो आपको 18% मिलेगा, और जेड सिटी में आपको मिलेगा 9%। ये जो HRA है ये भी रिवाइज हो जाएगा, 30% फॉर एक्स, 20% फॉर वाई सिटी और 10% फॉर जेड सिटी, जब आपका जो DA है वो 50% को क्रॉस कर लेगा। क्योंकि अभी तो मैं 40% मान के चल रहा हूँ, तो अभी तो 27, 18 और 9% है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्स, वाई और जेड सिटी। अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं मोस्ट प्रोबेबली RHQ और CC जो कि कॉर्पोरेट सेंटर है। RHQ मतलब रीजनल हेडक्वार्टर जो पावर ग्रिड के हैं, CC मतलब कॉर्पोरेट सेंटर पावर ग्रिड का जो कि गुड़गांव में है। तो गुड़गांव एक्स सिटी में आता है। तो मैं इस वीडियो में सैलरी को एक्स सिटी में पोस्टिंग के हिसाब से कैलकुलेट करके चलूंगा। तो बेसिक पे हो गया, DA हो गया, HRA हो गया। उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट है वो होता है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया जो आपको मिलता है वो मिलता है 35% ऑफ बेसिक पे। अब कैफेटेरिया जो 35% है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें मिला के 35% पूरा करना चाहते हो। तो जैसे कैंटीन अनाउंस है 4% to 21%, और चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसिज आपको मिलेगा 4% to 11%, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिलता है 4% to 11%, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, फेस्टिवल अलाउंस एंड वैकेशन अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है और 35% आपको कैफेटेरिया टोटल मिलता है।
उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कन्वीनियंस रीइंबर्समेंट। मतलब अगर आप E2 लेवल पर हो और आपके पास अगर टू व्हीलर है तो उसके लिए आपको पर मंथ 45 लीटर का कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। तो लगभग 100 रुपीज लीटर है पेट्रोल, तो आपको 4,500 रुपए पर मंथ टू व्हीलर के लिए मिलता है। 45 लीटर उन लोगों के लिए है जिनकी पोस्टिंग कॉर्पोरेट सेंटर या RHQ में होगी। और अगर आपकी पोस्टिंग RHQ या CC में ना होकर किसी सबस्टेशन किसी साइट में होती है जहाँ पे 6 डेज वर्किंग होता है, मतलब आपको एक वीक में 6 दिन वर्क करना होता है, जबकि CC और RHQ में 5 डेज वर्किंग होता है। तो जहाँ पे 6 डेज वर्किंग होती है क्योंकि एक दिन आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, तो उस केस में आपको 45 लीटर तो अलाउंस मिलता ही है, उसके अलावा आपको 900 एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपकी हार्डशिप पोस्टिंग है जैसे लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, गुवाहाटी को छोड़ के, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंक्लूड नहीं किया है, तो अगर आपकी वहां पे पोस्टिंग है तो आपको 45 लीटर के अलावा 1500 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये तो था टू व्हीलर अगर आपके पास है। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपको 75 लीटर मिलता है CC RHQ के केस में, और 6 डेज वर्किंग जहाँ पे है वहाँ पे आपको 75 लीटर प्लस 1500 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आपकी हार्डशिप पोस्टिंग है लद्दाख की या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहाँ पे आपको 75 लीटर के अलावा 2500 एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये जो मैं बता रहा था ये E2 लेवल पे बता रहा था। तो जैसे आपको प्रमोशन होता जाता है E3 E4 E7, तो जब आप E9 लेवल पर पहुँचते हो तो आपको जो कार का अलाउंस है वो 120 लीटर मिलता है। सिमिलरली 6 डेज वर्किंग में 120 लीटर प्लस 3600 एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आपकी हार्डशिप पोस्टिंग है तो वहाँ पे 120 लीटर प्लस 6000 एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये था कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट का। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सैलरी का PRP, मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो E2 लेवल पे मैं बात करूँ तो PRP होता है 40% ऑफ बेसिक पे, और जैसे आप प्रमोट होते जाते हो E3 E4 E6 एंड E9 पे जब आप जाते हो तो E9 पे आपको जो PRP मिलता है वो 90% ऑफ बेसिक पे मिलता है। मतलब E9 पे आपका जो बेसिक पे होता है वो 1.5 लाख है, तो उसका 90% आपको PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है। ये पर ईयर में मिलता है, नॉट पर मंथ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है फोन अलाउंस। मतलब हर 2 साल में E2 लेवल पर आपको 13,000 रुपये प्लस GST फोन खरीदने के लिए मिलता है। तो ये E2 लेवल पर है, और 13K प्लस GST और GST लगा के मैं सैलरी कैलकुलेशन के लिए 15K पर 2 ईयर मान के चल रहा हूँ। और ये E2 लेवल पर है, और अगर आप प्रमोट होके E3 E4 एंड देन E9 लेवल पर पहुँच जाते हो तो वहाँ आपको हर 2 साल में फ़ोन खरीदने के लिए 50,000 प्लस GST मिलता है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विस। E2 लेवल पर आपको डिजिटल सर्विसेज के लिए, मतलब आपका DTH रिचार्ज, आपका फ़ोन रिचार्ज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ई-बुक, जो भी आपको डिजिटल सर्विसेज यूज करना है उसके लिए आपको हर साल 12,000 प्लस GST मिलता है। तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए मैं 14K पर ईयर मान के चल रहा हूँ, मतलब 14,000 पर ईयर आपको डिजिटल सर्विस मिलेगा। और ये E2 लेवल पर है, और जब प्रमोट होकर आप E9 लेवल पर पहुंच जाओगे तो वहीं आपको डिजिटल सर्विस 48,000 प्लस GST मिलता है। नेक्स्ट है लैपटॉप। हर 5 साल में आपको 60,000 प्लस GST लैपटॉप खरीदने के लिए मिलता है, और GST लगा के 60,000 में, ये 70,000 में मान के चल रहा हूँ सैलरी कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आपको 36,000 पर ईयर मिलता है, तो 36,000 के यूनिफॉर्म पहनो। उसके बाद मैं लोन की बात करूँ तो कार लोन आपको मिलता है ट्रेनिंग खत्म होने के जस्ट बाद। पावर ग्रिड आपको 8 लाख रुपए देता है कार खरीदने के लिए। जब आप प्रमोट होकर E9 लेवल पर पहुंच जाते हो तो कार खरीदने के लिए आपको 15 लाख मिलता है। और कार लोन के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सारे लोग कार खरीदने वाले हैं, क्योंकि पावर ग्रिड आपको 8 लाख रुपए दे रहा है कार खरीदने के लिए। उसकी जो EMI बनेगी वो अराउंड 6,000 बनेगी, 6,000 पर मंथ। और कार खरीदने से आपको 7,500 आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलने लगेगा, क्योंकि आपको 75 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो लगभग 100 रुपये लीटर है पेट्रोल, सो 7,500 आपको पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, और आपको EMI देने पड़ेगा 6,000, तो 1,500 ओवरऑल आपकी सैलरी बढ़ रही है, और कार की कार आपके पास है, तो सारे के सारे लोग कार खरीदने वाले हैं, तो जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद लोन में आता है HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस। मतलब घर बनाने के लिए अगर आप नया घर बना रहे हैं, लैंड परचेज करके उसके बाद कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो घर बनाने के लिए आपको पावर ग्रिड 60 लाख रुपए तक देता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी हाउस है उसको आप एनलार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15 लाख तक पावर ग्रिड देता है। नेक्स्ट फैसिलिटी जो पावर ग्रिड प्रोवाइड करती है वो है मल्टीपर्पज एडवांस। मतलब आपको 3 महीने का बेसिक प्लस DA मल्टीपर्पज एडवांस के फॉर्म में दिया जाता है, आप जहां मर्जी उसको यूज करो। तो अभी क्योंकि बेसिक पे 50,000 है और DA में 40% मानूं, तो 70,000 × 3 आपको 2,10,000 रुपए मल्टीपर्पज एडवांस के रूप में मिल रहा है, आप जहां मर्जी उसको यूज करो। और इसको आप 48 इंस्टॉलमेंट्स में आराम से पे करो, तो ये अच्छा है।
इसको आप 48 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, तो 2,10,000 मिल रहा है, जहां मर्जी यूज करो। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हायर एजुकेशन एडवांस, मतलब चिल्ड्रंस की हायर एजुकेशन के लिए एडवांस मिलता है आपको। अगर आपका बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है हायर एजुकेशन, तो उसके लिए आपको 20,00,000 तक मिलता है, और अगर आपका बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो आपको 40,00,000 रुपए एडवांस के रूप में मिलता है पावर ग्रिड से। नेक्स्ट आता है लीव एनकैशमेंट। तो पावर ग्रिड में जो छुट्टियां होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। एक होता है ईएल अर्नड लीव होता है, एक सीएल होता है कैजुअल लीव, उसके बाद हाफ पे लीव होता है, सिक लीव होता है, ओएच होता है, ऑप्शनल हॉलीडे। तो इनमें से जो अर्नड लीव होती हैं, एक साल में आप 30 अर्नड लीव को यूज ना करके उनको एनकैश कर सकते हो। तो उसके लिए आपको, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, एक साल में आपको 30 हॉलीडेज का 70,000 रुपये मिलता है। तो ये था लीव एनकैशमेंट के बारे में। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप रिटायर्ड होते हो तो उस टाइम पे आपका जितना बेसिक है प्लस डीए, उसका 30% तो आपको कैश मिलता है। उसके बाद आपकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, और आपका पीएफ कटता है, मतलब 12% बेसिक प्लस डीए आपकी सैलरी से कटेगा, और 12% बेसिक प्लस डीए आपकी सैलरी का जितना बनता है पावरग्रिड अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में जमा करता रहता है। मतलब ओवरऑल आपके पीएफ अकाउंट में 24% बेसिक प्लस डीए जमा होता रहता है, और उसको ज़रूरत पड़ने पर आप विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको हाउस परचेज करना है या फिर फ्लैट परचेज करना है, उसके लिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। आपको एडवांस चाहिए फॉर मैरिज, उसके लिए भी आप अपना पीएफ अकाउंट से अपना पीएफ जितना भी है उसका सर्टेन अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके बच्चे को पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन कराना है, तो उसके लिए भी आप अपने पीएफ से जितना भी फंड है उसका सर्टेन अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ग्रेच्युटी होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। तो लास्ट चीज़ आती है जो बहुत अच्छी है पावर ग्रिड में, वो है मेडिकल बेनिफिट्स, आई वुड से अनलिमिटेड मेडिकल बेनिफिट्स। और ये किस किस को मिलता है? ये एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय के ओनली वन स्पाउस को, मतलब अगर आपके एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ हैं तो एक ही हस्बैंड या वाइफ को मेडिकल बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आपके दो बच्चे मैक्सिमम 25 एज, उनको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, और आपके डिपेंडेंट लाइक वो पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है। मेडिकल बेनिफिट पावर ग्रिड का इतना अच्छा है कि एक केस था कि जिसमें कोई एम्प्लॉय था जो कि ट्रेनिंग पे था, उसके फादर का कोई सीरियस इशू था, तो उसका जो एक्सपेंस गया था वो अराउंड 1 करोड़ गया था, वो सारा का सारा पावर ग्रिड ने दिया था। तो पावर ग्रिड का जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत अच्छा है आउट से। तो ये था पावर ग्रिड में सारे सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में एंड क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में। तो सारे सैलरी कंपोनेंट्स को अगर मैं मिला दूं और मल्टीपर्पज एडवांस वगैरह इन सबको अलग हटा दूं, तो जो ओवरऑल आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो सैलरी बनता है एक साल का, मैंने कैलकुलेट किया है, वो बनता है अराउंड 18 लाख पर एनम, मतलब एक साल का 18 लाख पर एनम का आपका सैलरी बनता है। तो उसके बाद टैक्स रहता है और पीएफ वगैरह है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। तो अगर वो किसी को जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था पावर ग्रिड में सैलरी बेनिफिट्स और अलाउंसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, यू वांट मी टू मेक वीडियो अपॉन, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई बी श्योर टू चेक इट आउट। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।